हमारे साथ एक परिवार हैं जो खेतड़ी राजस्थान से आए हैं। मनोज पेशेंट हैं, मतलब पेशेंट थे, अब पेशेंट नहीं है जी। इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है राइट साइड का। पहले इनका जयपुर में हुआ था लेफ्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट कोई 10 महीने पहले। हाँ, 10 महीने। 10 महीने पहले, जो कि ओपन टेक्निक से हुआ था। अब हमने MIS टेक्निक से किया है और ये पूरा परिवार हमारे साथ है। ये एक्सपीरियंस बताएंगे अपना कि पहली बार में और इस बार में क्या डिफरेंस है, बताओ। सर, सबसे पहले तो बात यह है कि उसमें बहुत लंबा कट लगा था और करीब 3 से 4 दिन तक पेन बहुत असहनीय था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने कैथेटर भी लगा रखा था और यूरिन की पाइप भी लगा रखी थी और यहाँ पे ड्रेन लगा रखा था। जी, जी, जी। ठीक है, हल्का सा भी पैर मूवमेंट नहीं करने दे रहे थे वो 3 दिन तक। तो वो बड़ा असहनीय हो गया था सर, बड़ा परेशान हुआ था। उसके बाद में लगभग वॉकर से मैं 10 दिन तक चला। ठीक है, तब भी काफी पेन था। हाँ। और स्टेयर तो अभी तक मैंने अवॉइड कर रखे हैं सर चढ़ना। अच्छा, सीढ़ी चढ़ने में आप कंफर्टेबल नहीं थे? नहीं, अभी भी नहीं हूँ सर। ठीक, इससे इस ऑपरेशन से पहले भी कंफर्टेबल नहीं था। और आपने मतलब जैसे आप चलना शुरू किया उसके बाद ऑपरेशन के बाद, काम वाम कितने दिन में शुरू किया? काम तो सर लगभग 1 महीने के बाद में, मेरा सिटिंग जॉब है तो स्टार्ट कर दिया था मैंने। कुछ कंपनी ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया था तो 1-2 घंटे का रेस्ट मिल जाता था। ठीक है, चलो, ये था पेशेंट का एक्सपीरियंस। अब है इनके साथ वाले जो फैमिली है, आप लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा। हाँ सर, पिछली बार भी देखा। मैं इसके मनोज का पापा हूँ। जी जी जी। और पिछली बार देखा था, काफी दर्द महसूस हुआ था और वो ऊंचा भी बैठ गया था, उससे हम संतुष्ट भी नहीं थे। जी, नहीं, अब की बार आपने क्या फर्क और था? अब की बार हमने देखा कि साहब, डॉक्टर साहब ने जो रिप्लेसमेंट किया वो बहुत ही बेहतर किया है। क्यों बेहतर है साहब? बेहतर ये है कि दूसरे रोज, उसी दिन तो ये मूवमेंट करने लगा है पैरों का और दूसरे दिन तो ये चलने लगा, आज सीढ़ी चढ़ गया, सीढ़ी से उतर गया है नीचे। जी जी। और उन्होंने अभी तक सीडी अलाउ कर रखी नहीं, ओपन जो सर्जरी का। एक्चुअली क्या है, रिप्लेसमेंट इतना मेजर ऑपरेशन समझते हैं हम लोग कि है ना, ऑन बेड है ना, मतलब नॉर्मल फ्रैक्चर भी होता है तो भी 2-3 महीने का रेस्ट होता है। तो हिप रिप्लेसमेंट इतना मेजर हॉस्पिटल मतलब वो समझते हैं ऑपरेशन कि उसके बाद में तो ऑन बेड जाना ही जाना है 2-3 महीने के लिए। लेकिन यहाँ हिप रिप्लेसमेंट आपकी जो टेक्निक है उससे करवाने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि जस्ट छोटा सा चीरा लगा है, ऑपरेशन हुआ ही नहीं है लगता है। देखिए, सर्जरी का ना असली ब्यूटी वही है कि हम काम भी करें और पेशेंट का नुकसान भी ना हो। नुकसान क्या मतलब कि आसपास जो चीजें हैं उनको ज्यादा डैमेज ना करें, ब्लीडिंग ना हो, पेशेंट को दर्द ना हो। ठीक है, तो यही मतलब है MIS टेक्निक का। और जो आप जैसे जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये तकलीफ है, वो इसीलिए डरते हैं कि कई महीने के लिए आराम करना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं पैर बराबर होगा नहीं होगा। जी जी सर। जिंदगी भर लंगड़ाना तो नहीं पड़ेगा। और उससे भी बड़ा डर, जब ठीक हो जाएंगे क्या हम जमीन पे बैठ पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे कल्चर में जमीन पे बैठना जरूरी है। जरूरी। चाहे कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो, कोई सोशल गैदरिंग हो, या कई बार गांव देहात में इंडियन टॉयलेट भी यूज करना पड़ता है और सभी तो पूजा पाठ वाला आदमी जी पूजा भी बैठ के करते हैं। ये सारी चीजें ऐसी है जो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है, तो बहुत सारे लोग इसीलिए ऑपरेशन नहीं कराते। इस टेक्निक के बारे में आपके बारे में पहले ही नहीं जानते थे, नहीं तो अब तो हम लोगों को पछतावा हो रहा है कि अगर पहले पता होता जो होता तो हम वो एक जो लेफ्ट साइड का करवाया था वो इसी टेक्निक से करवा लेते। ये मनोज का इंसिजन है जो उन्होंने सर्जरी पहले कहीं और कराई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग इनका ये है 4+4+4, यानी कि लगभग 8 इंच का इंसिजन है, ज्यादा ही है, 8 से 9 इंच का इंसिजन है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, ये बिल्कुल स्कार आया हुआ इतना बड़ा। एंड इट्स नॉट अबाउट द कॉस्मेटिक सर्जरी, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सुंदरता बनानी है स्किन के ऊपर, इट्स अबाउट द डैमेज। अंदर के बहुत सारे टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं, उससे पेशेंट को तकलीफ होती है, ब्लीडिंग होती है। और ये तो खैर यंग पेशेंट है, कई बार एल्डरली पेशेंट को तो ICU तक जाना पड़ जाता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो ये सिर्फ स्कार की बात नहीं है, यह है कि हमें काम वही करना है विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द पेशेंट। और ये है हमारा टिपिकल MIS टेक्निक का इंसीजन, जिसमें आप देखेंगे सिर्फ 4 फिंगर ब्रेथ, बहुत ही छोटा सा एक इंसीजन जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है। पहले दिन से ही पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं और पेशेंट का अंदर सारे टिश्यूज को हम प्रिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, मैसेज ये है कि काम कराओ तो अच्छा कराओ, उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। और हम जो डेली ये वीडियोस आप लोगों से शेयर करते हैं उसका मतलब यही है कि आपको अपने इम्प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए और आज की डेट में क्या बेस्ट चीज अवेलेबल है उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, सब लोग हम तक नहीं पहुंच पाते ऑपरेशन के लिए, दूर दूर रहते हैं लोग, लेकिन आप जहां भी अपना इलाज कराएं अच्छा इलाज कराएं तो पर्पज ही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिप की प्रॉब्लम यंग लोगों में आ रही है,
जैसा 35 से 40-45 वर्ष की में ज्यादा आ रही है। जी जी, जबकि घुटने की प्रॉब्लम तो 60-70 के बाद आती है। लेकिन जो यंग बच्चे जो कि मतलब काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं लाइफ की, वो अचानक बैठ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जिम्मेवारी का काम है हिप रिप्लेसमेंट। और हम और हमारी टीम दिन रात लगे हुए हैं। आज संडे का दिन है आज भी, तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है क्योंकि बच्चे का और पूरी फैमिली का फ्यूचर इस एक सर्जरी के ऊपर टिक जाता है। विकल को आप काम कर पाए नहीं कर पाए तो पूरा अगली जनरेशन तक का रिजल्ट हमारे हाथ में। नो डाउट, आपका जो भी टीम है, आपके साथ में जितने भी लोग थे और आप खुद है ना, मतलब डर का एहसास नहीं हुआ, नहीं ऑपरेशन के नाम पे हुआ ना, काफी घबराहट हो जाती है। सब कंफर्टेबल था, सब लोग बात कर रहे थे अच्छे से, पता भी नहीं चला कि कब ऑपरेशन हो गया। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं खेतरी का रहने वाला हूँ, चंद्रशेखर नाम है मेरा। जी सर। और पिछली बार जब ऑपरेशन हुआ था, इन्होंने मेरे को बताया था जयपुर में ऐसे ऐसे हो रहा है। आपके मेरा भतीजा, इसका भतीजा ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब मैंने पता किया तो मैंने फोन करके पता किया, तो मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी इस हॉस्पिटल के बारे में, न कोई इसका एड था इतना कि सब लोग बता पाए मेरे साथ। पिछली बार जो प्रॉब्लम्स थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे पे खुशी का भाव देखा मैंने आते असली चीज़ इसके भी देखा, बहू के भी देखा, तो मुझे खुद को लगा कि यहाँ एक सही जगह है, ठीक फैसला लिया है। और जैसे आपने बताया ना, ऐड नहीं है, देखो सेवा का प्रचार नहीं, प्रसार नहीं। हम सिर्फ ये है कि हम जो भी काम करें वो बेस्ट करें, और आप लोगों के आशीर्वाद से और दुआओं से मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम ऐसे काम करती रहे और सालों साल हम लोगों की सेवा करते रहे। हम भी यही चाहेंगे कि आप जो ही सेवा करते रहो साहब, आपके बहुत बड़े आभारी हैं हम इस मामले में। तो बेसिकली बात ये है कि हमें फैमिली को कंफर्टेबल करना। बिल्कुल सर, वो तो बेचारे ऑलरेडी घबराए होते हैं, बहुत घबराए हुए साहब, आज हमारे सबके चेहरे में बहुत खुशी। हमें सच्चाई भी बतानी है लेकिन प्यार से बतानी है, गोली कड़वी है लेकिन शुगर कोटेड रखनी है। ये मनोज का हम एक्सरे देख रहे हैं सर्जरी से पहले का, लेफ्ट साइड इनका ओपन टेक्निक से हुआ है दूसरे हॉस्पिटल में लगभग 10 महीने पहले। इसमें अच्छा है, इम्प्लांट बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि ओपन टेक्निक से हुआ था तो पेशेंट को काफ़ी तकलीफ हुई थी पोस्ट ओपन। राइट साइड में एवीएन है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा सेगमेंट कोलैप्स्ड है। और इस ऑपरेशन में इनको इतनी तकलीफ हुई थी कि ये डरे हुए थे कि जब मैं राइट कराऊंगा तो शायद मुझे इतना ही दर्द, उतना ही टाइम तक बेड पर रहना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने इनका राइट साइड का MIS टेक्निक से रिप्लेसमेंट किया है एंड ही इज़ वॉकिंग विद इन 24 आवर्स एंड नाउ ही इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स एज वेल। इसमें कोई ड्रेन डालने की या कोई यूरिनरी कैथेटर डालने की तो लंबे बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव डन। वन मोर प्रॉब्लम वाज कि लेफ्ट साइड जब किया था उनका पैर 1 इंच लंबा हो गया था, तो हमने कैलकुलेशन किया बिल्कुल एक्यूरेट, और जब हम इस तरफ किया तो हमने इधर भी उतना ही कैलकुलेशन करके लेंथनिंग की है ताकि इनको कभी भी लिम्पिंग ना लगे, दोनों पैरों में कोई डिफरेंस ना लगे। हाँ जी।